गाइस ये जो मैं घूम रहा हूँ फ्री में, अगर कोई इंडिया से बंदा घूमने के लिए आएगा तो करीब उसका 2 लाख के आसपास खर्चा चला जाएगा। गाइस लंबी सफर के बाद हम पहुंच गए हैं ब्राजील होटल रूम में। अभी जस्ट फ्रेश होके खाना खा के निकल गया हूँ घूमने के लिए। गाइस 15 घंटे की फ्लाइट के बाद में अभी मैं ब्राजील पहुंचा हूँ। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज है और आप देख रहे हैं सेस मरीनर। ईद के दिन ही निकलना पड़ा, अभी जॉइनिंग थी गाइस और सैलरी भी अच्छा था, सब कुछ सही था। तो फिर मैं मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद में 12 बजे के बाद मैं निकल गया और जॉइनिंग गाइस मेरी हो रही है ब्राज़ील से। तो फ्लाइट टिकट मिला है वाया पहला कतर एयरवेज से दिया हुआ है। तो दोहा में रुका हूँ, दोहा से फिर जाऊँगा ब्राज़ील। 15 घंटे का रास्ता है गाइस बाय फ्लाइट। तो अभी फ़िलहाल दोहा में हूँ और कुर्ता पजामा पहना हुआ है, देखिए गाइस। बस ईद की नमाज़ पढ़ के बाकी सब रेडी रखा था पहले ही और तुरंत निकल गया। और अब गाइस यहाँ से मैं अभी थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करूँगा, थोड़ा खाना वगैरह खाऊँगा, फिर जाऊँगा मैं न्यू फ्लाइट जहाँ पर मेरी आने वाली है वहाँ पर वेट करूँगा गाइस। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ। ब्राज़ील पहुँच गए अभी, आगे मैं अभी जस्ट फ्लाइट से निकला और जा रहा हूँ। देखता हूँ बाहर कोई एजेंट वगैरह कैसा क्या है क्या नहीं सिस्टम है, बाहर जाके पता चलेगा। और गाइस हमारे साथ में करीब 10 से 15 जन और रहेंगे, फ्लाइट में अभी मिले थे कुछ लोग और यहाँ वहाँ आए कोई आगे आने वाली फ्लाइट से आने वाले। तो चलिए देखते हैं, बाकी बाहर निकलने के बाद जो एजेंट मिलेंगे उसके बाद पता चलेगा सब कुछ। तो गाइस चलिए, माइक लगाया नहीं क्योंकि चार्जिंग नहीं था उसमें, इसी वजह से आवाज़ में भी थोड़ा ख़राब आता रहेगा या नहीं आता रहेगा। तो जैसा भी रहेगा झेल लो, उसके बाद में आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी आवाज़ रहेगी, क्वालिटी अच्छा रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में मैं पीछे हो गया हूँ, बातें पब्लिक आगे गई है कहीं पर। तो चलते हैं, पहले देखते हैं लगेज वगैरह लेंगे, अभी पता नहीं किधर लगेज है अपना, लगेज ढूंढते उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होगा आगे का। गाइस 15 घंटे की फ़्लाइट के बाद में अभी मैं ब्राज़ील पहुँचा हूँ। अभी 1 से 1.5 घंटे का बाई रोड जाना है, 2 दिन तो होटल स्टे रहेगा, 1 या 2 दिन एजेंट ने बताया। और हमारे साथ में गाइस ये लास्ट वाली फ़्लाइट में हमारे साथ करीब 15 लोग थे हमें लेके, फिलहाल सेकंड सर हमारे साथ में है और बाकी लोग भी हैं पीछे बैठे हुए हैं और सबको होटल स्टे मिला है। उसके बाद में होगा ज्वाइनिंग, अगर ऑनबोर्ड मतलब जहाज़ अगर बर्थ पे आती है तो पोर्ट पे ज्वाइनिंग कर देंगे, अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली एंकर पे ज्वाइनिंग होगी। शायद कैप्टन सर वगैरह की एंकर पे ही ज्वाइनिंग हुई, तो देखिए हमारी कैसे होती है और आगे का जो कुछ भी अपडेट रहेगा मैं देते रहूँगा। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, नहीं अच्छे होंगे तो भी अच्छे रहो। गाइस लंबी सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं ब्राज़ील होटल रूम में। अभी जस्ट फ्रेश होके खाना खा के निकल गया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता भाई फ्री में कोई भी कंट्री घूमने का। तो गाइस चलिए, मैं अभी एक कहीं नियर बाई में बीच दिख रहा है मुझे, तो यहाँ जाऊँगा क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ मैंने सर्च भी नहीं किया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भाई सब कुछ ज्वाइनिंग वगैरह हुआ है तो कुछ सर्च वगैरह भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो ये नज़दीक में था, मैं सोचा कि चल के घूम लेता हूँ और आपको भी घुमा देता हूँ। होटल रूम का वीडियो मैं बीच के बाद में बना के दूंगा। तो गाइस पहले ये देख लीजिए बीच वगैरह का कैसा है, यहाँ का क्या माहौल रहता है, कैसे लोग रहते हैं। यहाँ अभी भी क्लाइमेट ठंडा है बट यहाँ के लोग फिर भी मतलब शर्टलेस घूम रहे हैं, शर्ट ऊपर का पहने नहीं है, अंदर अंडरवेयर वगैरह या फिर उसके नीचे पहन के ऐसे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ रीज़न होगा। तो गाइस चलिए मैं लेके चलता हूँ और आपको यहाँ का दिखाऊंगा बताऊंगा जैसा भी रहे। मैं मतलब बीच पे पहुँच गया, ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 2 से 3 मिनट का रास्ता था, होटल से जस्ट पास में ही था। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कोको कोला लिखा हुआ है वहाँ से गाइस, ये रोपवे के लिए यूज़ हो रहा है गाइस, ये देखिए यहाँ से रोपवे जा रहा है, लाइन देखते रहेंगे आपको आ रहा है जा रहा है, वो रोपवे है और उसमें ओपन है टोटली पहाड़ के ऊपर से, काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा खूबसूरत व्यू है गाइस। अगर टाइम होता है 1-2 दिन का तो हम ज़रूर जाते, अभी तो साइन ऑन कर रहे हैं, साइन ऑफ के टाइम पे अगर होता ये तो ज़रूर हम वहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ करते थे और काफ़ी इन्जॉयमेंट होती थी, बट अभी साइन ऑन है इसीलिए कुछ नहीं होगा। जो सी फेयरर है, जो सी मैन है, उनको मालूम है साइन ऑन साइन ऑफ मैं क्यों लिया। तो गाइस ठीक है, मैं आपको ये बीच का व्यू मैं बताता हूँ, ये देखिए ये पूरा बीच है और पीछे से गाइस देखिए कोई कोई शिप भी दिख रही है, काफ़ी अच्छा व्यू है। क्लाइमेट एक नंबर है गाइस, क्लाइमेट ना धूप है और ना ही
मतलब ठंडी है, ये क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गाइस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बस रह जाऊँ यहीं पर, इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस। और ये मौसम में वहाँ से पैराग्लाइडिंग करना बहुत मजा आएगा गाइस, एकदम मतलब सुकून ही सुकून। हमारे साथ हमारे चीफ कुक है, ये पीछे इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, माहौल का मजा ले रहे हैं। तो और भी जाते, थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया में जाते, वहाँ देखते वहाँ के लोग का मतलब क्या है, कि यहाँ आने के बाद में कल्चर भी देखते हैं ना कि कल्चर कैसा रहता है, कल्चर भी देखना जरूरी है गाइस। ये पीछे कुछ फुटबॉल या वॉलीबॉल जो कुछ भी खेल रहे, कुछ खेल रहे, हम खेले नहीं है तो हमें मालूम नहीं है गाइस। ये जो मैं घूम रहा हूँ फ्री में, अगर कोई इंडिया से बंदा घूमने के लिए आएगा तो करीब उसका 2 लाख के आसपास खर्चा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ की फ्लाइट टिकट ही 50-60 हज़ार की वन वे की रहेगी। क्योंकि मैं आया हूँ, 15 घंटे का रास्ता था और प्लस 3 घंटे का दोहा के, इंडिया टू दोहा, दोहा टू ब्राज़ील। तो ये व्यू देखने के लिए अगर सिर्फ आ रहा है बंदा तो भी 50-60 हज़ार लग जाएंगे, और जाएगा तो 50-60 हज़ार, और प्लस रहने का खाने का खर्चा और जो ट्रैवलिंग होगा उसका खर्चा यहाँ पर लोकल में, वो अगर खर्चा मैं देखूँ तो अच्छा खासा बजट है, और वो काम हमें फ्री में करने मिलता है। इसीलिए लोग शायद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते होंगे बहुत सारे लोग। ये देख रहे हैं 2 लाख वाला व्यू अच्छा खासा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा मजा आ रहा है। मेन चीज है इसका यहाँ का क्लाइमेट गाइस, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है गाइस, धूप तक नहीं, धूप भी नहीं निकली हुई है, और यहाँ पर धूप भी नहीं निकली हुई है और ठंडी भी नहीं है, और जो हवा चल रही है ना एकदम ठंडा ठंडा हवा, मतलब सुकून देने वाली हवा, मजा ही आ रहा है गाइस। तो जैसा भी है आप देख रहे हैं, और अभी रूम का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बाकी बीच में थोड़ा पब्लिक प्लेस में जाके देखता हूँ, यहाँ पर पब्लिक थोड़ी कम है, वहाँ जाके देखता हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं। गाइस थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया, अभी हम एक लेक पे हैं जो बीच के जस्ट बाजू में ही है। ये देखिए ये इस साइड अपना बीच हो गया, ये मेरे पीछे के साइड बीच है, उस साइड थोड़ा दूर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, और जिस साइड में, और जिस साइड मैं हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा लेक है। ये भाई साहब अपने डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे, क्या सिखा रहे मालूम नहीं, कुछ चीज फेंक रहे और वो लेके आ रहा है। और गाइस यहाँ के लोग बड़े बड़े मतलब इंजॉयबल है, बस मगन, गाड़ी लेके आए, खड़ी किए, डीजे चालू कर दिए, लगे डांस गाना वहीं पर चालू हो गया सब। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मतलब एकदम इंजॉय करने में एकदम आगे है, वो वाले सिस्टम है यहाँ पर गाइस। काफ़ी अच्छे लोग हैं, मिलने बात करने में बोलने में सब कुछ अच्छा ही है। तो गाइस इसके बाद अब चलता हूँ मैं होटल रूम में।